जो ये टूल है, ये जो टूल है ये टोटल वेस्ट टूल है, ठीक है। मैंने सारे टूल यूज़ किए हुए हैं। इसके पहले हमने ओएसएस टीम का W09 प्रो पे वीडियो बनाया था, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। बट जो JCID का Q1 है ये टोटली वेस्ट टूल है, इसके अंदर इतने बग्स हैं कि पूछने की बात नहीं है। हाय फ्रेंड्स, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गई, बहुत इसका वेट कर रहे थे हम लोग। तो JC कंपनी ने Q1 बैटरी बोर्ड लॉन्च किया है, जिसमें बिना टैग ऑन के आप हेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले ओएसएस टीम ने लॉन्च किया था W09 Pro, वैसे ही JC ने भी लॉन्च किया है। तो हमने जब उसका रिव्यू किया था, इसीलिए हमने सोचा कि इसका भी हम रिव्यू करेंगे और ये बॉक्स कैसा है वो देखेंगे। तो ये देखते हैं कैसा है। तो ऐसी कुछ पैकिंग है, इसके अंदर बॉक्स आता है ऐसे, ठीक है। और ये कैसा और एक बॉक्स है, इसके अंदर ये सारे फ्लेक्स हैं, मॉडल वाइज है, आप देख सकते हो। मतलब जितने मॉडल्स हैं सब मॉडल वाइज हैं, आप देख सकते हो। जैसे 11 Pro, 11 Pro Max, 13, मतलब 11 से लेके 15 Pro Max तक ये सपोर्ट करता है, ओके। और हम इसको ट्रायल करने जा रहे हैं iPhone 13 पे, कि इसका हेल्थ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ओके। तो इतनी सारी चीज़ें मतलब बॉक्स में से निकलती हैं, एक प्रोग्रामर और बाकी इसके फ्लेक्स निकलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे यूज़ होगा ये। इसके लिए हमारे पास एक iPhone 13 है, और आप देख लीजिए इसका जो सीरियल नंबर है और iOS वर्जन, सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। इसी पे हम लोग हेल्थ इंक्रीज़ करके देखेंगे, जस्ट फॉर डेमो ओनली, कि होता है कि नहीं। अभी इसका 83% बैटरी हेल्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ये डिवाइस शायद अभी सबसे फर्स्ट हमारे पास ही आया हुआ है। अगर किसी के पास हो तो हमें इसका नहीं पता है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ही आया है, और हिंदी लैंग्वेज में हम ही सबसे पहले वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैटरी जो है साइड में रख लेनी है, बॉक्स यहाँ रख लेना है, और हमें iPhone 13 का FCP ले लेना है। तो ये इस पर लिखा है 13 mini and 13। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करो कि जो बैटरी है, हमने जहाँ हमारी बैटरी लगती है उस जगह पे हमें इसको लगाना है। ठीक है, यहाँ लगा दिया, इसको ऐसे करो और यहाँ पे लॉक है, इसको अनलॉक करो। लॉक अनलॉक वाला सिस्टम है, तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपने इसको लगाना है। इससे क्या होगा कि जो आपका फ़ोन है वो इस बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जो फ्लेक्स है फ़ोन में लगा दिया, और दूसरा स्टेप जो है हमने इसको प्रोग्रामर में लगा दिया। थर्ड स्टेप जो है, जहाँ पे iPhone 13 की बैटरी लगती है आपको वहाँ लगाना है, कुछ ऐसे आ जाएगा। अभी आप देखिए तो इसका जो बैटरी हेल्थ 82 अंदर दिखाया था वही है, और जो चार्जिंग साइकिल है 915 है, ओके। तो ऊपर वाला है इसको हम 100 करेंगे, जो कि बैटरी हेल्थ है, दबा के रखना है आपको, 100 हो जाएगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप 110 रखिए, ठीक है, बैटरी हेल्थ जल्दी गिरेगा नहीं। उसके बाद फिर आपको जो साइकिल है उसको आपको ज़ीरो करना है। देखिए ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, 700, 600, ओके। ये ज़ीरो हो गया। अब आपको ये सेंटर वाला बटन दबाना है, यहाँ पे ये लाइट ऑन हो गई, मतलब अब आप अपना फ़ोन ऑन कर सकते हो। तो हम फ़ोन को ऑन करेंगे, जैसा देख सकते हो एप्पल लोगो आ गया है, मतलब ये इससे पावर ले रहा है। तो पहली बार मेरे हिसाब से इसके अंदर अननोन मैसेज आना चाहिए, अननोन पार्ट का पहली बार मैसेज आएगा। अननोन पार्ट मैसेज आने के बाद ही इसका हेल्थ मॉडिफाई होगा, जैसा कि आपको पता है। अब ये बीप की एक आवाज़ आई, बीप की आवाज़ आई मतलब कि आपको है ना फिर से एक बार फ़ोन रिस्टार्ट करना है। तो हम फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे,
दो सेकंड रुकना है, फोन पूरा शट डाउन हो जाए, इसके बाद फिर से हम पावर की दबा रहे हैं। ओके तो आप जैसा देख सकते हो इसका हेल्थ जो है वो ये शो कर रहा है, मतलब जो था 83 वही शो कर रहा है, बल्कि हमने यहाँ मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, ट्रस्ट देना है और कंप्यूटर में 100% शो कर रहा है। ठीक है, इसके लिए इसको फ्लैश करना पड़ेगा। जो लोग भी ये बोलते हैं कि बिना फ्लैश किए ये हो जाता है, वो गलत बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और हमने इसका पूरी प्रोसेस का वीडियो जो है वो ऑलरेडी डाल रखा है हमारे चैनल पे कि बैटरी हेल्थ मॉडिफाई करने के बाद कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, ये वही है 13 जिसको हमने मॉडिफाई किया। यहाँ तो 100 हो गया, 3U टूल में भी 100 दिखा दिया, लेकिन जो फ़ोन था उसके अंदर जो हेल्थ पहले थी वही दिखा रही थी, बिकॉज ऑफ रीजन जो iOS वर्जन है 17.4.1। तो अगर ये iOS रहेगा तो कोई भी टूल हो, चाहे वो JC का हो, चाहे वो कॉनली का हो, कोई भी हो, आपको रिस्टोर करना ही पड़ेगा, और वो थोड़ा दूसरे तरीके से रिस्टोर करना पड़ता है। तो उसकी वीडियो हमने बना रखी है ऑलरेडी, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको देखना है कि कैसे फ्लैश करते हैं बैटरी हेल्थ के लिए। अभी देखिए ये 100 हो चुका है, ओके, और हम अभी ये बैटरी को फ़ोन के अंदर डालेंगे और देखेंगे कि हेल्थ हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, इसके लिए फ़ोन को शट डाउन करेंगे, बैटरी यहाँ से निकालेंगे, ये FCP यहाँ से निकालेंगे, ओके। जब तक ये फ़ोन ऑन हो रहा है और मैं दिखा रहा हूँ, तब तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये टूल है, ये जो टूल है ये टोटल वेस्ट टूल है। ठीक है, मैंने सारे टूल यूज़ किए हुए हैं। इसके पहले हमने OSS टीम का W09 प्रो पे वीडियो बनाया था, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बट जो JC ID का Q1 है ये टोटली वेस्ट टूल है। इसके अंदर इतने बग्स हैं कि पूछने की बात नहीं है। हम लोगों ने वीडियो शूट करने के टाइम हमें इतनी बार रिटेक लेना पड़ा कि पूछने की बात नहीं है। और ये जो टूल है इसमें अगर आप बैटरी एक बार मॉडिफाई करके फिर से लगाओ तो ऑन ही नहीं होता है, और 100 दिखाता है कभी कभी ऑटोमेटिक, कभी कितना हेल्थ दिखाता है, और बहुत दिक्कत हुई है वीडियो शूट करने में। ठीक है, अभी हमने बैटरी, आप देखिए कि हमने अंदर डाली है बैटरी, ओके, अभी देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं 100। तो आप देख सकते हो ये 100 हो चुका है, मतलब टूल ने काम किया लेकिन बहुत परेशान किया है, टोटल वेस्ट टूल है ये। मैं तो इसको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर आपको लेना ही है तो आप OSS का ले लीजिए, बहुत अच्छा है, या तो आप रिलीफ का आया है वो रिलीफ का भी ले सकते हो, बट OSS बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यूज़र फ्रेंडली है। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय।